अस्सलाम वालेकुम, वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फैशन फोटोग्राफर हैं। इसके साथ साथ वो कमाल के स्टाइलिस्ट भी हैं, और जहां पर अगर हम पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर उन्होंने इतने प्यारे प्यारे इतने कमाल के नाम दिए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे कि वो बड़े बड़े नाम, वो कमाल के नाम हमें अब क्यों नज़र नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर, जैसा कि मैंने बात की कि उन कमाल के स्टाइलिस्ट हैं, और मेरा ताल्लुक जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है और न्यूज़ चैनल से ज़्यादातर रहा है, और मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे आज तक के अपने करियर में किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई मेल मेकअप आर्टिस्ट मिला हो, क्योंकि जो फीमेल एंकर्स होती हैं वो खासी टची होती है मेकअप को लेके। तो जब हम मेकअप स्टार्ट करवाने लगते हैं तो पूछ लेते हैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से, भाई कहाँ कहाँ काम किया, कहाँ से आए हो, हमारे फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। तो शायद ही कोई ऐसा मेल मेकअप आर्टिस्ट मुझे आज तक मिला हो जिसने ये ना कहा हो कि जी मैंने खावर रियाज साहब के पास काम किया। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव खावर रियाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपको पसंद आया? मैंने तो सोचा शायद माइंड ही ना कर जाए। नहीं नहीं, माइंड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत तारीफें पसंद भी नहीं है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ना माइंड, लेकिन जो मैंने कहा, आई थिंक दिस इज द कंट्री ऑफ फ्लूक, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे जैसा बंदा कामयाब हो सकता है, तो आई डोंट नो लोग फिर बाहर क्यों जाते हैं। मतलब यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब आप ये देखें ना कि मेरी इतनी ज़्यादा मैं फेलियर्स हैं, इतनी ज़्यादा मैंने एज अ लूज़र यहाँ रहा हूँ, एकेडमिकली बहुत फ्लॉप रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर और कमा भी रहा हूँ और नाम भी बनाया हुआ है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान ही है जहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी या लैंड ऑफ अ फ्लूक, व्हाटएवर। पहला सवाल जो था ना, उसी में से सवाल निकल आया था कि अगर यहाँ पे मेरे जैसा बंदा कामयाब हो सकता है। हाँ, तो कोई भी हो सकता है। मतलब हम लोग एक चीज को पकड़ लें ना अगर, हाँ, और ठान लें कि बस मैंने यही करना है, और वो इसलिए मत करें कि वो कि मैंने इसको कारोबार बनाना है या इससे अपना नाम बनाना है। आप ये सोचें कि जिससे आप खुश हो रहे हैं ना, वो आप काम करते जाएं, वही काम फिर आपको आगे ले जाएगा, और आप चेहरे घुमा घुमा के देखेंगे तो आपके पास सारी वो फैसिलिटीज होंगी जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हों। अच्छा, वैसे तो ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने कह दिया था कि वो जो टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो लोग हमारे चैनल के तवज्जो से आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये सवाल पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी कि खावर रियाज कैसे बने, अपनी जर्नी को शॉर्ट करके बता दें। खावर रियाज बिल्कुल एक आम सी जगह से उठे, और वो मेरी बेसिकली पैदाइश सऊदी अरब की है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे जब टीन एज में था तो मैं इधर पाकिस्तान आ गया, और मेरे लिए ये एक मतलब इस तरह था जैसे एलिस इन द वंडरलैंड, और बड़ा मुश्किल मुझे लगता था सारा कुछ, और लोग भी, और क्योंकि मैं एक महदूद से माहौल के अंदर रहा, तो यहाँ आके जब मैं लोगों में घुलना मिलना शुरू किया, करता गया तो उस चीज़ ने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक मेरे अंदर ढीठपना पैदा कर दिया कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये समझ आने लगे कि जो वो ज़िंदगी में गुजार के आए वो एक शेल था, और उसे मुझे बाहर देखना सब। कितना टाइम आप सऊदी अरब में रहे? मेरी पैदाइश वहाँ की थी, लेकिन तो मेरा मतलब कोई शायद टीन एज तक था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आना एक, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग और तरह तरह की ज़ुबानें, बहुत सारा घिचमिच किया हुआ कल्चर, तो वो और ये सब कुछ जो है ना मेरे लिए अजीब सा भी था, और कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पर, मतलब जो कि आज तक नहीं डेवलप हो सका। बस ये अल्लाह वास्ते ही मुल्क चल रहा है और चल रहा है। लेकिन आप इस सिस्टम में एडजस्ट हो गए फिर, है ना? मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, और मैंने अपना दिमाग का स्विच ऑफ कर लिया, और ये सोच लिया कि मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना, बस जो भी बोल रहा है, भौंक रहा है, कर रहा है, उसको मुझे देखना है, और उसके बाद मैंने कहना ओके फाइन, फिर मैं आगे निकल जाता था। खावर रियाज साहब, ये जो आपने एक दो लफ्ज़ बोले हैं, तो ये तो हमारे सियासतदानों वाली ज़बान बोल दिया है। नहीं, कई दफ़ा लोग मैं तो बस रिपीट नहीं करने वाली हूँ। नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कई दफ़ा लोग गुस्से में आके कोई अजीबोगरीब बातें शुरू कर देते हैं, या कुछ पहले तो आजकल तो पेशेंस लेवल वैसे भी ख़त्म ही हो गया ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गए, अगर उनको कोई ऐसे कहता बात सुने तो एकदम पड़ जाते हैं, यू नो। तो वो जो चीज़ है वो ख़तरनाक है, मतलब ये ऐसे ही जैसे एक बंदर के हाथ में कोई कैमरा आ जाए या कोई गैजेट आ जाए, तो वो क्या उसका हाल करेगा। सो और उससे उससे ये हुआ कि लाइफ थोड़ी सी फेक भी हुई है, लोग ना एक दूसरे के साथ इमोशनली उस तरह अटैच नहीं जैसे पहले थे। उन चीज़ों को मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं सिंप्लिसिटी को बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे
जो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है वो बहुत पसंद है। अच्छा खबर ये बताएं कि आपने जैसे कहा सिंपलिसिटी को पसंद करते हैं, वो हमें आपके ड्रेस से भी पता चल रहा है, ठीक है, आपको देख के पता चलता है, आपकी बातों से भी पता चलता है, वरना लोग तो स्पेशली बड़ा बना चना के बोलते हैं। तो फैशन इंडस्ट्री में रहते हुए, इस तरह के लाइमलाइट की दुनिया में रहते हुए, फिर भी इतनी सादगी, इसकी क्या वजह? सादगी कुछ भी नहीं, मैं बेसिकली सुस्त आदमी हूँ। मुझे बस होता है कि मैं कपड़े जैसे भी हैं इस तरीके बगैर मैं पकड़ूंगा, पहनूंगा और मीटिंग्स पे चला जाता हूँ। अच्छा। आपकी जो ज़ुबान है और आपके पीछे जो इन कपड़ों के पीछे जो असल शख्सियत है वो है फैशनेबल, और वो उसको पता है स्टाइल क्या है, उसको पता है कि गेम है क्या और क्या बोलना है, कैसे अगले को चुप कराना है और किस तरह से कन्विंसिंग पावर्स के साथ गेम को जीतना है। तो वो आपकी पावर होती है। और वो कंटेंट आपका कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट जो है ना वो बहुत डेप्थ वाला हो और टू द पॉइंट हो। हाँ, फिर उसके बाद कोई आपके कपड़ों को नहीं देखता। और हमारी फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग सिंपल हैं, लेकिन उनका जो इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट है वो डिपेक्ट करता है कि उनके दिमाग की डायरेक्शन क्या है। अच्छा, अब जैसे कि आपने कहा कि आपका एकेडमिक करियर भी कुछ खास नहीं रहा था, तो फिर आपने सोचा कि फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं था कि अगर एक जगह मैं हिम्मत हार गया तो मैं सोचूं। बिलाख़िर इंसान वहीं पे आ जाता है जहाँ की उसकी जो खमीर बनी होती है, तो वो वहीं पे आके पना लेता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है ये मेरी ज़मीन जहाँ से मैंने दरख्त को उगाना है। वाह, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ये आगाज़ उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हमारे यहाँ जो बल्कि मैं तो कहूँगा 100% कोई इंस्पिरेशन थी, 90% जो लोग हैं ना वो ऐसे ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो उन्होंने करना क्या है, दुनिया में क्यों आए, क्या आ रहे हैं। आप देखें कितने बच्चे जो हैं वो अगर एक दूसरे को देखा था कि MBA में घुस रहे हैं, CSS कर रहे हैं, मतलब उन वो खुद नहीं मीडिया में आने का छाया, तो बस मीडिया में आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, बिला वजह आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब ये नहीं पता वेयर टू गो, हाउ टू गो, वेयर टू स्टॉप, हाउ टू स्टॉप, करना क्या जाके नहीं पता। तो जब ये चीज़ समझ में आती है, हो सकता है उसमें एज गुजर जाती हो, लेकिन जब भी समझ आ जाए वही पॉइंट होता है कि आप उठ खड़े हो दोबारा और उठें और फिर अपने आप को कहें कि ये मैं हूँ, इसके लिए मैं बनाया गया। अल्लाह ताला ने कहा है कि जस्तजू करो अपने बारे में कि तुम्हें कोई किसी मकसद के तहत दुनिया में भेजा गया है। हर इंसान के पास एक मकसद है, वो आपको ढूंढना पड़ता है, आपको समझना है कि आपका मकसद क्या है। हाँ जी, जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि हम जानवर तो है नहीं, हमें मकसद ढूंढना है। अगर हम मकसद नहीं ढूंढे तो इसका मतलब हम जानवर हैं। हाँ, और बहुत सारे जो लोग हैं वो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल गुजार रहे हैं। ये कोई लाइफ तो नहीं ना कि सुबह शाम एक ही रूटीन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। आप तो इसका मतलब है इस तरह की चीज़ों से बहुत नहीं, आई एम चेंजाहोलिक। मैं तो बल्कि मैंने शादी भी इसलिए नहीं की, मुझे एक जगह नहीं रुकना था। मतलब पानी जब एक जगह इकट्ठा होता है तो वो उसमें आई थिंक तालाब गंदा हो जाता है, पानी को फ्लो में चलते जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह का रास्ता पकड़ लें। हाँ। मेरा मतलब जिंदगी में इतने लोग मिलते हैं, इतना लोग एक तरह की किताबें हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते जाते हैं। और हर बंदा अपने अंदर एक कहानी लिए। हाँ, मैं लोगों के दरमियान रह के खुश रहता हूँ। मुझे चाहे गाँव में जाना पड़े, चाहे किसी बड़े जगह पर जाना पड़े, मैं एक्सप्लोर करता हूँ लोगों के थ्रू, एक एजुकेशन को और रवैयों को। फिर आई एम फन लविंग, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं समझ लें कि मैं एक रौनकी आदमी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि मैंने शादी इस वजह से नहीं की, आपको नहीं लगता कि अगर आप शादी करते तो इसके बाद ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी होती? या आज तक जब इतनी सारी लड़कियों के झुरमट में आप रहते हैं, कि आपको किसी एक लड़की ने मुतासर नहीं किया कि आपको लगता कि यार ये एक है जिसको मैंने अपने साथ ज़िंदगी हमेशा बसर करनी है, अपना लाइफ पार्टनर? वो एक वक्ती तौर पर एक चीज़ होती है जो आपको ऑब्सेस्ड करती है, लेकिन फिर उसके बाद आप ऐसे ऐसे झटके मारते हैं अपने आपको, फिर कहते नहीं मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ रुक गया तो फिर मैं गया। तो मुझे बहुत से लोगों से मोहब्बत करनी है, मुझे बहुत से लोगों से मिलना है, मुझे बहुत से लोगों की नफ्सियात को पकड़ना है, मुझे बहुत से लोगों के मसले हल करने हैं, मुझे उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुननी है। तो मेरे अंदर जब शादी के बाद भी सुन सकते हैं आप, वो फिर एक ही सुननी पड़ती है। अच्छा, आपके बाद ही आपके इतने सारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, वो कहेंगे भाई अगर खावर भाई ने कह दिया शादी करना अच्छी बात है तो हम भी इसमें फंस गए। नहीं नहीं, शादी जरूर करें अगर आपको लगे कि आपका कोई सोलमेट है जिससे आपका दिमाग मिलता है, तो आप जरूर करें। इतने सारे दुनिया देखे, इतने सारे लोगों से मिले, लेकिन आज तक आपको अपनी सोलमेट ही नहीं मिल सकी? मेरे सोलमेट मेरे दोस्त हैं, जो उनके समय वो लम्हा हम लोग मिलते हैं, फिर मैं उनके मसलों की तरफ देख रहा होता हूँ कि वो पहले कितने अच्छे लोग थे, शादी के बाद वो अजीबो गरीब हो गए। और यू नो पता नहीं, हमारे यहाँ आई थिंक शादी इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जब दो लोग मिलते हैं उनका कॉमन फैक्टर एक बच्चा होता है, फिर वो उनके जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो ख़त्म होकर एक फैक्टर पर आ जाते हैं। मगर अब शायद लोगों में बर्दाश्त नहीं रही क्योंकि उन्हें स्पेस बहुत मिल गई है और उनका एक्सपोजर बढ़ चुका हुआ है। और उस एक्सपोजर ने नुकसान भी किया कि लोग अब
अब कॉम्प्रोमाइज नहीं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, रहना पसंद भी नहीं करते, बड़ी जल्दी डिवोर्स का जो रेशो है वो भी हमने देखा कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप एक टॉक्सिक इंसान से सारी जिंदगी गुजारें। एग्जैक्टली, ये तो है। कम से कम आप पहले वो माँ बाप कहते थे ना कि अब जा रही हो तो मर के निकला, तो वो बस इस तरह की सिचुएशन होती थी कि वो बर्दाश्त करती रहती थी। अब तो कहती मार के निकलूंगी, अब तो मार के, बल्कि तो वो पूछती है वो सब कुछ ठीक है मगर माँ लाश दफनानी कहाँ पे, ये भी है। अब ये अच्छी बात है कि लड़कियों ने शादी को मुसीबत नहीं बनाया। हाँ, और बनाना चाहिए भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन आजकल का मेरा फ्रेंड कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, मुझसे ही बूढ़ा हो सकता है। अच्छा, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, मतलब मैं कहीं किसी बोर्ड में बैठ जाऊँ तो पता नहीं मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए आँखें बंद, फिर मैं ऐसे आँखें खोलता हूँ तो मेरे अंदर एक कॉमेडियन आ जाता है जो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है और इसके लोगों का सहारा होता है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल ने फोटोग्राफी को कितना मुतासर किया, और अब जबकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उसमें कैमरा भी है और इंस्टाग्राम की वजह से हर कोई ख़ुद को इन्फ्लुएंसर समझता है, तो क्या इससे आप समझते हैं कि एक आदमी का जो ज़ौक है वो बेहतर हो गया है? बहुत बेहतर हो गया है और लोगों को समझ आने लग गई है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, कॉम्पोजिशन का पता लगा है, विज़न जो है वो ब्रॉड हुआ है और बहुत से नए फोटोग्राफर आए हैं और इस गैजेट के थ्रू उन्होंने बहुत आला आला काम किया इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि मैं मोस्टली जो फोटोग्राफी वो इसी गैजेट के साथ करता हूँ, मैं कैमरे को इतना हाथ ज़्यादा हाथ नहीं लगाता क्योंकि मेरा दिल करता है कि जो एक सीन मुझे नज़र आ रहा है मैं इसको फ़ौरन कैप्चर करूँ, तो फिर मैं उसको कैप्चर करके उसी वक्त उसको अपलोड करता हूँ, तो ज़िंदगी आसान हो गई। आजकल के लोग खुशकिस्मत हैं कि वो उनको किसी टेलीविज़न स्टेशन पे नहीं जाना पड़ता अदाकार बनने के लिए, किसी मैगजीन में छपने के लिए रौला नहीं मचाना पड़ता कुछ, बस आपका अपना कंटेंट है, अपना पेज है, आपका अपना अखबार है, जो दिल चाहता है डालें और जिस तरह चढ़ाएंगे वैसे लोग आपके सराउंडिंग में आते जाएंगे और आपके अपने लोग वैसे इंगेज हो जाएंगे, वैसे फॉलोअर्स आ जाएंगे। इट डिपेंड्स, अगर आपका कंटेंट कमज़ोर है तो आप कुछ भी नहीं, अगर चाहें तो रात रात आप स्टार बन जाते हैं, इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में प्रोफेशनल फोटोग्राफर को भी मुतासर किया है? अब मुतासर मतलब नुकसान के सेंस में? नुकसान के सेंस में, सॉरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनका काम बहुत बड़ा है और कोरोना के दिनों में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जब हर चीज़ ऑनलाइन होने लग गई तो फोटोग्राफर को बहुत ज़्यादा काम मिलने लग गया था। अच्छा, जब यहाँ पर फैशन के मौके महदूद थे तो हम देखते थे कि इफ़त उमर आमनर जब यहाँ पर फैशन के मौके महदूद थे तो हम देखते थे कि इफ़त रहीम आमना हक फिनिज़ा अहमद जैसी मॉडल्स होती थी, अब जबकि ब्रांड्स की भरमार है और अच्छी फोटोग्राफी भी होती है लेकिन हमें इस पाए की मॉडल नज़र नहीं आती, आप समझते हैं कि आज भी ऐसा ग्रेसफुल हुसन जो है वो एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, बल्कि अब तो बहुत लंबी लंबी लड़कियाँ आ रही हैं और बेतहाशा आ रही हैं, इस वक्त तो चंद एक थी और मैंने तो बहुत इन दिनों में टैलेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए और वो भी टॉल स्लीक लीन किस्म की जो लड़कियाँ होती हैं। अच्छा, तो आप डिजिटल मीडिया के बाद आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी है, आसानी से आप लोग मॉडल देख सकते हैं या ये जो टिकटॉकर्स होते हैं आप? मैंने तो बल्कि कोरोना के दिनों में टिकटॉक के थ्रू मैंने देखा अपने नौकरों को वो ऐप इस्तेमाल करते हुए, तो मैंने इसकी स्क्रॉलिंग करना शुरू की तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट नज़र आया और मैंने उनको इकट्ठा किया, मतलब मैं इसके थ्रू कभी पेशावर जा रहा हूँ, कभी बलोचिस्तान जा रहा हूँ, कभी लंदन जा रहा हूँ, कभी अमेरिका जा रहा हूँ, मतलब इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आप इंटरकनेक्टेड हैं मतलब ग्लोबली हर चीज़ के साथ, चाहे वो अक्रॉस पाकिस्तान हो चाहे अब्रॉड हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट मिला है और जो कि मेरे पास आए मेरे मेहमान बन के रहे, मैं उनके घरों में गया तो वो एक जो एक चू रिश्ता होता है टिकटॉक से इंस्टाग्राम से इन चीज़ों से मुझे मिले हैं, लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करते थे, मेरे प्रोफाइल ये कहने लगे थे लोग तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते होंगे बहुत ज़्यादा, तो सबके मैसेजेस वगैरह वैसे देख लेते हैं? मैं देख लेता हूँ लेकिन जब मुझे काम से नजर आती है उसको फिर मैं उसको ले आता हूँ मतलब साथ। अच्छा, तो अभी तक इंस्टा से और टिकटॉक से कितने नए चेहरों को मुतारक करवाया याद है कुछ कोई फिगर? काफ़ी बहुत आए हैं, अभी जैसे मैंने बलोचिस्तान से बड़े बच्चे पकड़े और वो मैंने देखा कि वो बच्चे जो है थोड़ा सा कीन कर, मेल मॉडल्स मैंने आपके देखे थे, मेल मॉडल भी हैं जो कि बहुत मशहूर टिकटॉकर भी हैं, वो उनमें एक एग्रेशन था अंदर ही अंदर और कुछ ये था क्योंकि मुझे लगता है बलोचिस्तान से कुछ ज़्यादती भी हुई है, तो वो उनके अंदर एक चीज़ थी कि हमें शायद बाकी जो सूबों के लोग हैं उस तरह, लेकिन जब मैंने उनको इनक्रेज किया बुलाया, हाँ जी, लेकिन वो आई थिंक दे आर अमेजिंग पीपल। अच्छा, तो वो मतलब आप वैसे खबर रियाज साहब जो हैं वो, अगर मैं पहले ये सवाल पूछ लूँ कि अगर आपने किसी को मॉडल बनाना है या कोई आपके पास चल के खुद आया है कि आप किसी को पसंद करते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं उसमें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस जो आपको लगती है कि हाँ ये बंदा या बंदी जो है? मेरे हिसाब से कोई
कोई ग्लोबल टच होना चाहिए कि वो देखने में लोकल ना लगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्शन उसका डार्क ही क्यों ना हो, डस्की क्यों ना हो, चाहे फेयर हो, जो भी हो, पर वो लोकल नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जो पहले गुजर चुकी हैं, जिनके पहले नाम लिए हो या अभी भी, आपकी फेवरेट मॉडल कौन सी है? वो सारी जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सारी ही की सारी या कोई उनमें एक है जो आप नंबर वन पे रखते होंगे? नहीं, नंबर मैंने नंबर इस तरह कभी कंपटीशन नहीं किया, मतलब जो मेरे सामने आया मैंने उसको प्रेज़ किया, उस एज अ टैलेंट उसको प्रेज़ किया, उसको आगे तक लेके गया, उसकी हेल्प की, तो मुझे फिर उसके बाद उड़ा दिया। अच्छा, फिर पलट के वो लोग पूछते हैं वैसे? हाँ हाँ, मिलते हैं लोग, सब मिलते हैं। और आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई जाएगा तो पलट के आपके पास, वो अब जहाँ पहुँचना था उसमें 10 लोग और आ जाते हैं। वो तो आपने वैसे आगाज़ में भी कहा था कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से भी। नहीं, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। ये तो बड़ा आसान सा जुमला है कि एक्सपेक्टेशन ही रखनी, क्यों नहीं रखनी चाहिए, वी आर नॉट स्टोन्स। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी फेस को इंट्रोड्यूस करवाया, वो बहुत बड़ा नाम बन गया हो, लेकिन उसने आपसे ताल्लुक़ ना रखा हो, या कोई कभी ना कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ बदतमीज़ी की हो या रूडनेस कुछ भी, तो जिसको आपको हुआ कि यार मैंने इस बंदे को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? बदतमीज़ी भी तो होती थी, लेकिन फिर मैं चुप कर जाता था, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि वो कहीं गायब हो जाता था। आपने पलट के कभी जवाब नहीं दिया? अब नहीं जवाब देता मैं। पहले देते थे? पहले देता था, लेकिन मैं सोचा था, मैं मतलब आप खुद बताए ना, एक बंदे को जब आपकी समझ ही नहीं है तो उससे आप क्यों बहस करें? नहीं, वैसे किसी का नाम बताना पसंद करेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मतलब अब ये सारी बात होती है ना समझेगी। हमें जब ये समझ आ जाना कि अगला आपसे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो फिर वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में फैशन फोटोग्राफी का आप सबसे बड़ा नाम है, और जिस कंटेंट के साथ आपकी हम बात कर रहे हैं, इसने आपके लिए तो ये, मैं भी इतना बड़ा नाम नहीं रहा, अब तो अभी और बड़े बड़े नाम आ गए जिनको मैं देख रहा हूँ, प्रेज कर रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो सबसे पहले वाले थे उनमें आप सबसे बड़ा नाम है माशाल्लाह। आपको देख के शायद बाकी लोगों ने इंस्पिरेशन पकड़ी और इस फील्ड में आए। काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन पकड़ी, जब उन्होंने अपना अच्छा काम करना शुरू किया तो उन्होंने पलट के भी कहा है ये तो उनका पुराना काम है, ये तो पुराने हैं, ये किस तरह। अच्छा, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती थी। तकलीफ होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने इंसान का ज़र्फ़ पता चलता है ना जब वो एक मुकाम पर जाता है, शुरू शुरू में सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर एक जब आपको वो सहूलत या वो गिफ्ट मिलता है अल्लाह की तरफ से कि आप उस मुकाम पर खड़े होते, फिर आपके ज़र्फ़ का पता चलता है और आपके ख़ानदान का और आपकी तरबियत का, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये सही जगह पे खड़ा है, और अगर खड़ा हुआ तो इसने अपने आप को हम्बल रखा है, यू नो, डाउन टू अर्थ रखा है, या तभी तो इंसान का पता चलता है। गीबत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर कभी किसी की कोई बात आपको बुरी लगती है आपके कॉलीग्स में से, आपके स्टाफ में से, या आपके फ्रेंड में से, तो उसके मुँह पर कह देते हैं या कहते ही नहीं है किसी से भी, क्योंकि आपने कहा गीबत नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं या मैं, कोई एक आध ऐसा बंदा है या बंदी जिससे? मैं बहुत सरकास्टिक हूँ, मैं बातों को हंसते हंसते तंजिया तरीके से करता हूँ। कह देते हैं? हाँ, कह देता हूँ, इशारों में, दबे लफ्जों में, ट्विस्टेड वर्ड्स में, लेकिन कह देता हूँ। अगले बंदे को समझ आ जाती है, फिर उसको पता चलता है कि मुझे कहाँ पर उठा के मार रहे हैं, रिएक्शन क्या होता है ये मुझे नहीं पता। खैबर यार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायज़ा बुखारी, हमारे आज के मेहमान हैं खैबर रियाज साहब। अच्छा, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं बात कर रही थी कि कंटेंट के सराब की, जो इतने सारे लोग, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, वहाँ से आपके लिए तो चुनाव में बहुत आसानी पैदा हो गई है। कि आप समझते हैं कि जो वेडिंग फोटोग्राफर्स थे वो बेचारे जो है कहीं पीछे चले गए हैं? नहीं नहीं, वो तो एक अलग फील्ड है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें भी बहुत नए नए लोग आ गए, नया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब स्टिल उनकी ज़रूरत है लोगों को। बिल्कुल है ज़रूरत, और कर रहे हैं लोग काम, और अच्छा खासा कमा रहे हैं, और बड़े लेवल पे वैसे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, लेकिन तब जो नित नए आइडियाज़ थे उनको कैसे एक्सप्लोर करते थे, और उस वक्त क्या इंस्पायर करता था, और आज क्या इंस्पिरेशन होती है? उस वक्त तो मैगजीन ही इंस्पायर करते थे हमें, जो बाहर से आते थे उनको देखते थे, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होती थी, मतलब एज ए फोटोग्राफर। फिर जाहिर है उसके साथ आप अपना विजन जो उसको जेल करते थे, आप कुछ वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो आपके दिमाग के अंदर होती हैं। तो कई दफ़ा लोगों से मिलने से भी हो जाता है, लेकिन अब
अब जो है जब जब से ये गैजेट्स आए हैं और जब से सोशल मीडिया आए हैं तो आप किसी भी बड़े फोटोग्राफर चाहे वो कहीं किसी भी मुल्क में हो आप उसका काम देखते हैं तो आपके लिए वो एक ऐसे ही जैसे आप कोई लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि अच्छा ये लाइट ऐसे इस्तेमाल हुई है इस तरह हुई है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत खुल गई हुई हैं। अब फिर पता नहीं लोग बाहर क्यों जाते हैं। अच्छा ये जो आपने कहा ना कि गैजेट्स आए हैं चीज़ें तो क्यों हम कैमरा जो है उसकी खासियत या अफादियत से इनकार नहीं कर सकते तो आप लोग कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं और उसकी प्राइस रेंज क्या होती है? प्राइस रेंज तो काफ़ी ज़्यादा अब हो गई क्योंकि जब से ये डॉलर महंगा हुआ है और जो सब कुछ हुआ है तो उन्होंने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए हैं। मतलब अब तो मैं सोच मिनिमम आई डोंट नो कभी कभी कैमरा था 1 तक का 60 में भी मिल जाता था अब वो कहीं 8-8 पे पहुंच गया हुआ है इस तरह से। और मैक्सिमम तो फिर वो तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा एक एवरेज फैशन फोटोग्राफर की सैलरी क्या होती है? नहीं सैलरीज की नहीं होती वो इंडिपेंडेंट एज अ फ्रीलांस काम करते हैं। अच्छा क्योंकि मैंने कहा कि जो लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं वो देखना चाह रहे हैं कि भाई मतलब पैसे के लिहाज से लोग पहले आते हैं बड़े फोटोग्राफर के पास एज अटर्नी काम करते हैं फिर सीखते हैं फिर वो तब आप लोग उनको कुछ पे करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं जब हमें लगता है कि वो इस काबिल हो गए हैं तो फिर हम उनको अपनी जगह पे के जगहों पे भेज देते हैं उनको वो संभाल लेते हैं चीज़ें और इस तरह ही करते करते फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। गुस्से में आते हैं? किन बातों पर गुस्सा आता है? गुस्से के कितने तेज़ हैं? अब नहीं आता पहले आता था अब तो गुस्सा दिलाना आता है। अच्छा गुस्सा दिलाना आता तो मेरी तरफ क्यों देखे ये तो बताए ना मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा आपकी बातों पे। आप मुझसे सवाल करते हैं आपकी तरफ आपको सवाल तो कर रही हूँ लेकिन वो एक खास अंदाज से मुझे पता चल गया ना आप गुस्सा दिलाना आता है मुझे गुस्सा वुस्सा कोई नहीं आ रहा। अच्छा मैं तो हंसते हंसते प्रोग्राम कर देती हूँ इसी तरह से मेरा कोई इशारा आपकी तरफ नहीं था। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब गुस्सा आपको नहीं आता गीबत आप नहीं करते हैं मतलब और एक्सपेक्टेशंस आप किसी से भी नहीं रखते हैं क्योंकि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ चीज़ों को लेके रिश्तों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जब आपको ये समझ में आया कि अब सब कुछ गिरता जाता तो एंड पे क्रिएटर खड़ा है सामने तो फिर उसके बाद क्या रह जाते हैं। सियासत से दिलचस्पी है? बिल्कुल भी नहीं। सियासतदानों से? बिल्कुल भी खास तौर पर अपने मुल्क के सियासतदानों बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ना कोई एक्सपेक्टेशन है। हाँ एक्सपेक्टेशन मैं तो ये समझता हूँ ये जो मुल्क है ना ये बस अल्लाह वास्ते चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है अल्लाह ही चला रहा है कोई ऊपर रूहानी ताकत या नीचे इधर दाएं बाएं कोई है वरना तो वैसे सियासतदानों ने तो कोई हालात छोड़े नहीं है। नहीं छोड़े आई थिंक यहाँ पे जो बड़े बड़े वली दफन है जो मैं समझता हूँ पर्दे में वही इस मुल्क को चला रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा शादाबाद रखे। अच्छा जी आपने वैसे इधर से तो गल मुका दी अपनी तरफ से कि सियासतदानों पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस से कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और आप ख़ुद भी पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी हैं पाकिस्तानी सियासतदानों को जानते भी हैं तो सबसे पहले तो मुझे बताया ना फैशन फोटोग्राफर मेरी बात सुने ना अगर किसी ने काम करना हो तो वो सियासत में क्यों जाएगा उस गल में घुसने की क्या ज़रूरत है। अब आप बात करते हैं इमरान खान की कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों की लेकिन उस वक्त से लेके अब तक सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं ये झूठे हैं ये फ्रॉड हैं इन्होंने पैसा खा लिया ये कर लिया लेकिन अवाम के अंदर क्या तकलीफें हैं क्या महंगाई है उसको परवाह भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि मैंने अवेयरनेस दी है अवाम का शऊर जाग गया अवाम जाग गई बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर पहली बात तो है कि उसको उनको चाहिए था कि इतना बड़ा नाम था इतनी उनकी फैन फॉलोइंग इतने लोगों को लेकर साथ चल रहे थे उनको चाहिए था ईदी की तरह सोशल वर्क करते तो इस वक्त आई थिंक वो अगर वो सियासत से हटके काम कर रहे होते तो शायद उनको अल्लाह ताला और बड़ा मकाम दे देता। ये वो क्यों इस गंद में घुस गए अगर वो इतने सच्चे हैं तो उनको सियासत में आने की ज़रूरत ही क्या थी। नहीं वैसे सियासत गंद का नाम तो नहीं है। नहीं है गंद गंद पड़ गई आपको बहुत से गंद से गुजरना पड़ता है ना क्योंकि आपको कई कुछ लोग हैं जो एक अपने तरीके से चल रहे हैं तो आप उनके बीच में खड़े होकर ऊँची ऊँची बोलना शुरू कर दें कि तुम गलत हो तुम गलत हो तुम गलत हो तो क्या होगा वो फिर सारा मिलकर आपको एक जाले में डाल देंगे। अच्छा ये जो इस वक्त हो रहा है कि पहले तो ये होता था ना कि इल्ज़ामात का सिलसिला होता था लोग बर्दाश्त भी कर लेते थे चलता था अखबारात में हम पढ़ते थे टीवी पे भी देख लेते थे लेकिन जो अब हो रहा है कि कोई बर्दाश्त नहीं करता कुछ एक नहीं, बात सबसे बड़ी बात नहीं है कोई ऑडियो वीडियो और उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा अगर आपको पता है कि ये लोग करप्ट हैं फलां हैं जो भी है ठीक है वो अल्लाह जानते हैं कि हैं या नहीं तो आप उस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं आगे सिस्टम ठीक करें।
और जब आपको मौका भी मिल गया हो, जब आपको मौका मिला, आप बजाय इसके कि वो आप गन में अपने आप को डाल रहे हैं। अच्छा खाबिर, मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को जब खान साहब आए थे, ठीक है, और बाकायदा उनको हुकूमत मिलने से पहले बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी उनसे, सबको लगता था कि ये शायद एक नया नाम है, ये एक चेंज ले आएंगे, और अभी तक है इतने मार खाने के बावजूद। हालांकि उन्होंने किया कुछ भी नहीं। आपको भी थी, आप लोगों में शुमार? आई थिंक उनको उनको तकरीरों को रखना चाहिए, काम के लिए कोई और होना चाहिए। काम के लिए कोई चाइना से बंदा आना चाहिए जो आके बस मौजे तंग की तरह हाथ में कोड़ा पकड़ के काम करवाए लोगों से। ये पाकिस्तानी तभी सही होंगे, तभी सही होंगे। यहाँ पे मैं अगर हुकूमत में हूँ ना, तो मैं हर इदारे में ना गोरा रखूँ, एक अंग्रेज को रखूँ, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़वाई है, कहाँ पे दोबारा फंसा रहे हैं। अगर काश के वो होते तो इस मुल्क हमारा सिंगापुर बना होता। लेकिन फिर तो वो खान साहब वाली बात आ गई ना कि हम गुलामी में ही जिंदा। नहीं, आपकी गुलामी क्या है, कोई किसी को गुलाम बना सका आज तक? अच्छा, कम से कम एक सिस्टम तो चलना शुरू होता ना। अच्छा, अभी जो इस वक्त आप बेशक सियासतदानों में या सियासत से हम लोग हमेशा बाहर के लोगों को बुरा ही क्यों कहते हैं, आप ये देखें। नहीं, जो अच्छे हैं हम उनको अप्रिशिएट बिल्कुल करते। उनकी उनके सिस्टम की तरफ, उनके सिस्टम सबसे बड़ा, उनके सिस्टम, वो नए काम जो हमें करने चाहिए थे वो लोग कर रहे हैं, हम लोग बदनीयत लोग हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। वैसे जो खान साहब की इस वक्त जो करंट सिचुएशन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल करंट सिचुएशन है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि खान साहब दोबारा इक्तदार में आएंगे? हाँ जी, आप भी सकते हैं, क्योंकि अवाम यहाँ की बेवकूफ़ है। अच्छा, आपको स्टिल लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद अवाम की उनके साथ है? बिल्कुल, क्योंकि अवाम हमारी है ही बेवकूफ़, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि मतलब पिछले 4-3 सालों में कुछ नहीं हुआ सिवाय महंगाई के, और कुछ भी नहीं दिया, कोई काम नहीं किया बड़ा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है उससे कुछ उम्मीदें हैं? उससे क्या उम्मीदें करें, मतलब मुझे तो यही समझ आती कि उन्होंने क्यों वो मतलब इस छोटी सी हुकूमत के बीच में आ गए अपने को ख़राब करने के लिए। कम अज़ कम जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में थे तो उन्होंने बहुत काम किया था जो नज़र आता था, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, मतलब और चीज़ें आगे चलती जाती, क्या ज़रूरत थी उतारने की? आई डोंट नो कि क्यों हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को सोशल एज अ सोशल वर्कर के तौर पर आना चाहिए, वो उससे बड़ा नाम बना लेंगे, और उनको ईदी की तरह काम करना चाहिए। अगर वो वाकई उनके अंदर अल्लाह का खौफ है या अल्लाह के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम वो जो इल्ज़ाम तराशी और एक नफ़रत जो सोसाइटी में फैला दी गई है वो खत्म हो जाएगी। बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं था, पहले लोग बात बर्दाश्त भी कर लेते थे, इल्ज़ाम तो लगते थे, मैंने वही बात पहले भी की, लेकिन अब आपका पीछा नहीं छोड़ते। मैं समझती हूँ 7 नस्लों तक के दुश्मन हो जाते, और ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो अलग से हो रही हैं। वैसे सियासतदानों से मुलाकातें रहती हैं आपकी? बहुत कम, कहीं ना कहीं हो जाती थी में। लाहौर में जब मेरी मुलाकात होती थी, तो जब ये पीटीआई की हुकूमत थी, तो मैं जिस भी फंक्शन में जाता था, वहाँ की जो खवातीन या एमएनए होते थे, मैं उनके पास जाता था, मैं कहना मेरा नाम खावर याद है, मैं आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी बताएं प्लीज़ लाहौर से कूड़ा उठवा दें। वाकई? हाँ जी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती, प्लीज़ लाहौर से कूड़ा उठवा दें। तो वो देखते थे मेरे को, ये क्या उन्होंने पार्टीज में बैन तो नहीं कर दिया जी? आपको पार्टीज में बैन तो नहीं कर दिया कि ये बंदा तो आता है हमेशा एक ही सवाल करता है? नहीं तो फिर और अच्छा, फिर बात है कि हम और किसको कहें, अगर आपके पास अख्तियार है। कभी अमल हुआ आपको लगता है आपकी इस रिक्वेस्ट को किसी ने सुना? हाँ, हुआ था अमल, बिल्कुल हुआ था, उन लोगों ने सुनी भी, और कुछ अर्सा मैंने देखा कि कूड़ा उठवा दिया गया था। शायद कोई उस वक्त कोई सीन चल रहा था, सिस्टम का कोई गड़बड़ थी, लेकिन मैंने जिन खवातीन को कहा और जिन लोगों को कहा, उन्होंने बात आगे तक पहुंचाई, तो थोड़ी बहुत हिलजुल हो गई थी। अच्छा, खान साहब की सियासत पर तो हमने बात कर ली, तो खान साहब की जो एक पर्सनालिटी का करिज्मा है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया उनके पीछे पागल है, मर्द भी पागल हैं, औरतें भी पागल हैं हमारे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस पागलपने को उस तरह से यूज़ करें। आप ऐसे कैसे देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी को? आपको भी मुतासर किया उनकी पर्सनैलिटी? देखिए, मुतासर तो मैं भी लोगों को बहुत करता हूँ, बातें करने के बंदा जितनी मर्जी बातें करते हैं, असल चीज़ है कि एक्शन क्या है, काम क्या है। हाँ, एक्शन भी तो नज़र आए ना, एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखें, जिन्होंने काम करना होता है वो उनका मुंह बंद होता है, वो काम से दिखाते हैं। पाकिस्तान में कोई एक सियासतदान ऐसा नहीं है? वो सियासत में कभी भी नहीं आएगा। वो कौन है? आई थिंक हम हमारे मुल्क में ईदी गुजरा है, अभी हदीगा क्यानी ने जिस खामोशी के साथ उठकर बलोचिस्तान, राजनपुर इधर जाके काम किया है, दैट इज अमेजिंग। लेकिन वो तो हमारे शोबिज इंडस्ट्री में से हो गए ना। वो शोबिज हो या जो भी हो, जो इंसान अगर वो भी तो सियासत में आ सकती थी, लेकिन उसने किया काम, फौज को लेके वो काम करती रही,
और उसको लोगों ने बहुत इनक्रेज भी किया है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान में इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है, लोग उनके दीवाने, वो जो कहेंगे लोग मानेंगे, तो उनका दर्जा और बड़ा हो जाएगा अगर वो सियासत को छोड़ दें। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं सियासत में आके भी आवाम की खिदमत करना चाहता हूं। नहीं, वो खिदमत नहीं हुई ना, फिर वो खिदमत नहीं हुई। हो सकता कोई रुकावट हो लेकिन नहीं हुई, नज़र नहीं आई ना, महंगाई बढ़ गई। आप बाहर तो निकले, लोग बेचारे किस हाल में रह रहे हैं। मैं आपसे वैसे पूछना चाहता हूं, मतलब मेरे उनसे कोई पर्सनल इख्तलाफ नहीं है। कभी मुलाकात हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मरियम नवाज साहिबा से कभी मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई थी, और मैंने उनको बहुत, जब उस वक्त उनको कह रही थी, मैंने कहा आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत बड़ी सियासतदान बन सकती हैं, लेकिन अभी उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है खासी मैच्योर हो नहीं गई, काफ़ी मैच्योरिटी अभी और मैच्योरिटी आएगी, अभी आएगी वक्त के साथ साथ। अच्छा, अगर एज फैशन फोटोग्राफर मैं आपको कहूँगी, आप उनको किस नज़र से देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके स्टाइल को? आई थिंक मैम बहुत अच्छा कैरी करती हैं और बड़ा डिसेंट तरीके से कैरी करती हैं। कोई और फीमेल पॉलिटिशियन जो आपको लगता हो कि बहुत अच्छी हैं? शेरी रहमान जैसे बड़ी फैशनेबल हैं, हिना रब्बानी खैर होगी, कश्माला तारिक होगी, आई थिंक हिना रब्बानी, हिना रब्बानी खैर, उनकी स्टाइल ओके। और मेल पॉलिटिशियन में से कोई? वो तो ऑब्वियसली फिर इमरान खान ही था, मतलब वो जो जिस तरह के वो अपने, शहबाज शरीफ साहब का सूट वर और हैट वर ने आपको कभी मुतासर किया? उनका बड़ा सफारी सा स्टाइल है वो, वो जब काम करने पे आते हैं तो बहुत काम करते हैं, फिर वो करते हैं काम, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह करे वो करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अभी सियासत इस सीट पे नहीं होना चाहिए था, उनको अपने आप को अभी गंदा नहीं करना चाहिए था। अच्छा अच्छा, चलें अब थोड़ा सा हम सियासत से हटते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम अगर ये बात करें कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका थोड़ा सा अच्छा रिवाइवल शुरू हो चुका हुआ है, अभी रिसेंटली जो मूवीज़ आई हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट आई है, उसने तो जी खैर सारे ही रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? और बहुत सारी न्यू मूवीज़ आई हैं और उनको भी लोगों ने बहुत पसंद किया, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये एक बहुत हैरान कुन बात है। एक और सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, जो फिल्म आ रही है लेकिन आने से पहले ही सब लोग एक तरफ हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग उसको बहुत इस तरह करके लोगों तक पहुंचाएं, कम्युनिकेट करें, बताएं, ख़ास में बच्चों में। असल चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि सोसाइटी के लिए काबिल कबूल नहीं, तो उसको ज़रूरत है कि वो अपना साइकोलॉजिकली अपना इलाज करवाए, क्योंकि ये क्या ज़रूरत है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, पाँव दिए, सब कुछ दिए, तो ये ज़रूरी है कि आप एक मतलब खुसरा बन जाएँ या कोई ऐसी चीज़ बन जाएँ? वो तो एक बहुत ऊंचा दर्जा होता है, जो पैदाइशी तौर पे लोग ऐसे होते हैं, वो तो फिर वली बन जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात ये कि ये लोग हमेशा एक तवायफ़ का रूप धार लेते हैं, या फिर कोई एक कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जैसे बड़ा कुछ सजेस्टिव होती है हर चीज़। ज़रूरत इस बात की है कि ये सब लोग काम करें, और कौन से अपने हकूक़ की बात करें, मतलब क्या उनको खाना नहीं मिलता, क्या उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, क्या काम करने से किसी ने मना किया है? आई थिंक वो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे कुक बन सकते हैं, जिंदगी डॉक्टर्स बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन खाम खा अपने आप को बिला वजह एक कंफर्ट जोन में जाके मजलूम बनाना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, आपकी तो खैर ये राय हो गई इस फिल्म पे, और जो बाकी मूवीज़ आई हैं उनके बारे में? नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है। हाँ, अच्छा, लेकिन हमारी फैशन इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है मारिया बी, वो काफ़ी उस पर उनके दलाइल थे जो कि वैलिड भी लग रहे थे, किसी ने गौर से उनको समझा नहीं। अच्छा। मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि हम अपने जो बच्चे हैं उन पे ठीक है, इस तरह होता है सब कुछ, लेकिन हम उन पे एक इस तरह से ना लोगों को तारी करें कि वो उससे इंस्पायर हो जाएं। बात ये कि और नाचने गाने के अलावा भी तो और प्रोफेशन है जो अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बेशुमार। ये ज़रूरी है कि आप लश पश करते हुए कपड़े पहन के और औरत ही बन जाएँ? मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, इसका मतलब क्या है कि यू आर मतलब आपको किसी, हाँ, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप बने होंगे तो नहीं, आप जो मतलब इस तरह प्यार होकर ऐसे करना और मर्दों को रुझाना सब कुछ करना, मतलब आपका इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट कुछ और है, आपके ऑब्जेक्ट और आप कुछ शॉर्टकट जो है जी। हाँ, अगर मूवी ऐसी हो ना कि एक बंदा है जो इस तरह से था और उसने अपने बजाय इसके कि वो उस हुलिये में जाता, उसने बहुत बड़ा नाम बना के कुछ ना कुछ एक बन गया और उसने अपनी तबके के लिए एक इंस्पिरेशन पैदा की कि हम लोग ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो तब समझ में आती है। अच्छा, तो ये जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है वो आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी है। उसके बारे में क्या राय है?
आई थिंक द मूवी इज़ अमेजिंग. बड़ा उसने उसका मुझे लगता है कि होमवर्क बहुत जो उसका पेपर वर्क हुआ या टेबल वर्क हुआ है वो बहुत उसकी वो मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है जिसकी वजह से फिल्म जो है वो जुड़ी हुई नज़र आती है. मतलब ये जब आप पुरानी मौला जट देखते हैं तो उन्हीं कैरेक्टर्स को जैसे संजय लीला भंसाली ने देवदास फिल्म को उठा के एक आम सा टॉपिक था वो उसको ग्लैमराइज करके और फैला दिया, इसी तरह आई थिंक बिलाल लशारी ने वही काम किया है और हमारा जो मखसूस है कल्चर है उसको उठाया और जो और वजह बताई कि दुश्मनियों की वजह क्या होती थी. पहली फिल्म में कहानी नहीं थी इसमें फिर भी उसको जस्टिफाई किया गया है और ऐसे लगता है जैसे कोई मार्वल के सीरीज जो थी उसके कैरेक्टर चल रहे हैं. खासतौर पर मुझे हमजा लियाबासी ने बड़ा इंस्पायर किया, उसने मुस्तफ़ा कुरैशी का जो लहलबो लहजा उसको सही अडॉप्ट किया और जब वो घूम घूम के आता तो लगता है जैसे कोई कॉमिक कैरेक्टर चल रहा है साथ. अच्छा तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना जो मैंने पढ़ा भी उसने कॉलम्स भी लिखे और अपनी जो राय दी उसमें ये था कि इन लोगों से क्योंकि पंजाबी बुलवाई गई है तो इनका जो पंजाबी एक्सेंट था वो इतना अच्छा नहीं था. हाँ नहीं था क्योंकि वो जो वो सारे मोस्टली कराची के थे. नहीं बात ये कि नासिर अदीब के होते हुए मैंने खुद नोट किया था कि पंजाबी जुबान चल रही तो बीच में उर्दू के वर्ड भी यूज़ हो रहे हैं. हाँ ठीक है वो जितनी पंजाबी बोली गई है वो भी वो फ्लुएंसी नहीं है जो एक पंजाबी कैरेक्टर की होनी चाहिए. हालांकि हमजा लियाबासी ने सही पंजाबी बोली है. हाँ. मतलब वो बोलने पे आया तो सही बोला है. हाँ फिर वो शफकत चीमा है तो उसने सही पंजाबी बोली वो तो हाँ है ही पंजाबी. यहाँ तक के जो उमायमा उसने बहुत अच्छा काम किया है. हाँ. उसके रोल में डेप्थ थी. हाँ बिल्कुल थी. ठीक अच्छा लेकिन पंजाबी पे खैर मैंने कुछ लोगों का जो देखा. अच्छा ये तो माइनस ही बात है लेकिन बाकी एफर्ट देखे ना. नहीं बाकी तो ओवरऑल तो बहुत जबरदस्त मतलब वो इंपैक्ट इतना स्ट्रांग है कि बाकी बातें दब जाती हैं. हाँ ऐसा ही हमें इनकरेज करना चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए जैसे बिलाल लशारी. आई थिंक उसको वो अर्तुगरुल से बड़ी बड़ी फिल्में बना सकते हैं. हाँ इंशाल्लाह. और जब अगर इतनी अच्छी मूवी अभी हमें दी है तो आने वाले दिनों में भी हम बहुत अच्छी मूवीज देखेंगे. अच्छा जी वक्त जो है प्रोग्राम का खत्म हो रहा है. अच्छी बात है कि उसने एक स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया है. एग्जैक्टली. अब मेरे पास कितने प्रोड्यूसर लोग आते हैं और वो मौला जट की मिसाल लेके आते हैं कि हमें वही फिल्म बनानी उस स्टैंडर्ड पे बनानी. अच्छा वो एक स्टैंडर्ड बन गया अब. हाँ. कि इससे नीचे जो ना कॉम्प्रोमाइज किया तो हम गए. फिल्म में तो हिट होना नहीं है. फिल्म ने लोगों का एक्सपोजर खोला है चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो कॉस्ट्यूम्स हो आर्ट डायरेक्शन हो सेट्स हो सब कुछ हो हर चीज़ एडिटिंग हर चीज़. अच्छा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. आखिर में मेरा एक सेगमेंट होता है मैं आपके सामने चार नाम लूँगी आपने उनकी खूबी बतानी और एक खामी बतानी है. तो पहला नाम है जी मायरा खान. आई लाइक हर एज अ पर्सन और जब वो वाहिद मतलब उन एक्ट्रेस में से हैं जो हर लेवल पे जाकर हर तरह से लोगों से गुफ्तगू कर लेती हैं चाहे वो इंटरनेशनल फॉर्म हो चाहे लोकल. ये तो है ये मानने वाली चीज़ है और वो मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को जस्टिफाई करती हैं और जब एक्टिंग करने पे आती हैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं. और उनकी कोई खामी. उनकी कोई खामी खूबी के साथ साथ खामी भी बतानी है. मेरा ये ख्याल है कि उनको ये जो मौला जट वाली फिल्म है इसमें पंजाबी के एक्सेंट पे बहुत मेहनत करनी चाहिए थी. वो जो मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ अपना नाम यूज़ किया मेहनत नहीं की. ओके महविशयात. महविशयात अगेन वही वाला लेवल है जो मायरा का है. मतलब वो हर फॉर्म पे बोलती हैं करती हैं और एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है. लेकिन अब आप खामी की बात की. हाँ अब उनको बच्चे वाले रोल नहीं करने चाहिए. ओके और अगला नाम आयजा खान. आयजा खान मैंने आयजा खान का काम ज़्यादा देखा नहीं है लेकिन ठीक है. ये तो खूबी हो गई. खामी अगर आप कोई एक बताना चाहें तो. मैंने जहाँ उनके ड्रामे देखे हैं मुझे उनमें जो जो उनकी स्टाइलिंग हुई होती है अक्सर वो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही होती है. उनकी स्टाइलिंग आपको अच्छी नहीं लगती. ओके महरीन सैयद. महरीन सईद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हर तरह के लोगों में घुल मिल जाती हैं. उन्होंने अगर एक नेगेटिविटी देखी भी है तो वो कभी भी अगले को शर्मिंदा नहीं करती. और जिस तरह से उन्होंने ग्रेसफुली अपने आप को आगे लेके गई हैं और जिस तरह से एक बड़ी सोशलाइट बनी है आई थिंक वो बहुत बड़ी मिसाल है. खामी क्या हो सकती है. मतलब हर इंसान तो बना ही खामियों के साथ. कोई एक जहाँ खामी होनी चाहिए थी वही खूबी बन गई. मतलब खामी नहीं है. आखिर में आपका अपना नाम अपनी खूबी बताएं और अपनी खामी बताएं.
जो मुझे खूबियां लगती हैं वो लोगों को खामियां लगती हैं। उनमें से कोई एक तो बता देना। मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं रौनक लगाने वाला बंदा हूँ, चाहे जैसा मर्जी बोर माहौल हो, मैं दो मिनट में लोगों को उनके मूड और उनकी हर चीज़ को ठीक कर देता हूँ, हालांकि मूड भी मैं खुद ही ख़राब करता हूँ। तो फिर आपको तो सियासत में आ जाना चाहिए, मुल्क में रौनक ही लगी रहेगी हर वक्त। नहीं, मैं सियासत में कभी भी नहीं आऊँगा, मैंने कुछ करना होगा तो ऐसे ही करूँगा। बहुत शुक्रिया खबर आपका, आपके कीमती वक्त का, व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।